नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका YouTube चैनल एबीटेक में। दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करेंगे डायट प्रवक्ता कैसे बने। ऑफिशियल नोटिफिकेशन से सारी जानकारी हम आपको वीडियो में बताएंगे। कोई भी फेक जानकारी नहीं होगी, जो भी जानकारी होगी 100% ऑथेंटिक जानकारी होगी। हमारे चैनल का उद्देश्य यही है कि जो भी जानकारी हम आपको दें पूरी तरीके से 100% ऑथेंटिक हो। तो वीडियो को आप लोग पूरा देखिएगा। अगर आप डाइट प्रवक्ता बनने के बारे में जानकारी प्राप्त करना चाहते हैं, कौन कौन फॉर्म भर सकता है, क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया होता है, परीक्षा पैटर्न, सिलेबस क्या होता है, कितने पद हैं, कंप्लीट जानकारी ये सब वीडियो में आपको मिलेगी। वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिएगा, साथ में चैनल भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। दोस्तों, आप देख सकते हैं ये ऑफिशियल नोटिफिकेशन है। पिछली जो भर्ती आई थी डायट प्रवक्ता की, 2014 में डायट प्रवक्ता भर्ती का विज्ञापन आया हुआ था और 2015 में इसका एग्जाम हुआ था। उसके बाद से कोई भी भर्ती अभी तक नहीं आई हुई है डायट प्रवक्ता की। तो क्या क्या डिटेल्स हैं इस नोटिफिकेशन में, क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, सारी चीज़ें इसी ऑफिशियल नोटिफिकेशन में आपको बताने वाले हैं। ठीक है, सबसे पहले बात कर लेते हैं कौन कौन से पदों पर यहाँ पर भर्तियाँ आती हैं, कौन कौन से विषय होते हैं। ठीक है, तो दोस्तों डाइट आप लोग जानते होंगे, लेकिन जो लोग ना जानते हो उनकी जानकारी के लिए मैं बता दूँ, डाइट का मतलब होता है DIET होता है, और डाइट का मतलब होता है डिस्ट्रिक्ट इंस्टीट्यूट फॉर एजुकेशन एंड ट्रेनिंग। ठीक है, यहाँ पर जितने भी BTC अभ्यर्थी होते हैं, जो DELED अभ्यर्थी करते हैं, उनको डाइट में ही ट्रेनिंग दी जाती है, डाइट में ही पढ़ाया जाता है। और भी कई सारे काम होते हैं, जैसे UPTT मार्कशीट का जो डिस्ट्रीब्यूशन होता है वो डाइट से ही होता है। इसके अलावा और भी कई तरह के काम होते हैं डाइट में। तो यहाँ पर जो लेक्चरर की वैकेंसी होती है वो लोक सेवा आयोग कराता है। तो लोक सेवा आयोग का ही ये विज्ञापन है 2014 का। यहाँ पर देखिए कौन कौन से विषयों पर भर्तियाँ आती हैं। तो यहाँ पर जो पिछली भर्ती आई थी हिंदी की, उसमें देखिए हिंदी के 76 पद थे, इंग्लिश के 79 पद थे, मैथ के 72 पद थे, साइंस का 1 पद था, फिजिक्स का 71 पद था, केमिस्ट्री का 71 पद था, बायोलॉजी का 71 पद था। इसके अलावा फिजिकल एजुकेशन के 80 पद थे, एजुकेशन के 146 पद थे, उर्दू के 71 पद थे, सोशल साइंस का 1 पद था, सोशल साइंस 1 का 70 पद था, सोशल साइंस 2 का 70 पद था, इकोनॉमिक्स का 1 पद था, हिस्ट्री का 2 पद था। इसके बाद नीचे और आएंगे तो सिविक्स के यहाँ पर पद थे 1, आर्ट के 71, सोशल वर्क 70, स्टैटिस्टिक्स 71, होम साइंस 71, संस्कृत के 4 पद थे। इस तरीके से जियोग्राफी का 1 पद था, साइकोलॉजी का 73 पद था, और साइकोलॉजी रीजनल साइकोलॉजिकल सेंटर के 36 पद थे। कुल मिलाकर 1280 पदों पर वैकेंसी आई थी 2014 में। इस बार जो वैकेंसी आने का अनुमान है वो करीब करीब 17,000 पद है। काफ़ी ज़्यादा वैकेंसी है, 17,000 के आसपास पद इसमें हो सकते हैं। ये मैं नहीं कह रहा हूँ, ऑफिशियल नोटिफिकेशन या इसके अलावा जो समाचार पत्रों में बात सामने निकल के आई है उनको रेफरेंस दे करके मैं आपको बता रहा हूँ। तो बात कर लेते हैं अगर फीस कितनी लगती है इसमें, तो फीस आप लोग जानते हैं लोक सेवा आयोग की जो भी भर्ती होती है उसमें फीस ज़्यादा नहीं लगती है। ठीक है, 100 रुपये के आसपास से आपकी फीस लग जाती है, वो काम हो जाता है। पिछली जो भर्ती आई थी तो उसमें फीस देखिए 95 रुपये लगी थी। जनरल ओबीसी के लिए, SC ST के लिए 55 रुपये लगी थी, और हैंडीकैप्ड के लिए 55 रुपये लगी थी, इस तरीके 15 रुपये लगी थी। इस तरीके से यहाँ पर फीस लगती है। तो फीस की बात छोड़ दीजिए, बात कर लेते हैं एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की। तो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में यहाँ पर कई तरह के विषय होते हैं, तो विषय के अनुसार सब्जेक्ट कम्बिनेशन भी किसी किसी विषय में देखा जाता है। इस विज्ञापन में सारी सूचनाएं लिखी हुई हैं, फिर भी जो मेन एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है मैं आपको वो बता देता हूँ। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर लिखा है कि इन पोस्टों के लिए, यानी एक से लेकर के इन पोस्टों के लिए, एक दो पोस्ट को छोड़ करके जो यहाँ पर एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया मांगा जाता है, वो पोस्ट ग्रेजुएशन आपके पास होना चाहिए। चाहे आपका MA हो या फिर MSc हो या फिर MCOM हो, कोई भी आपके पास पोस्ट ग्रेजुएशन की डिग्री है संबंधित विषय से, तो उस विषय में आप आवेदन कर सकते हैं। जैसे सपोज करो आप डायरेक्ट लेक्चरर हिंदी के लिए आवेदन करना चाहते हैं, तो आपके पास हिंदी में MA की डिग्री होनी चाहिए। नंबर कितना चाहिए, तो 55% नंबर चाहिए, ये पिछली भर्ती में मांगा गया था। ठीक है, इसके साथ साथ दोस्तों आपके पास BEd भी होना चाहिए, BEd भी होना चाहिए, और BEd में भी कम से कम 55% नंबर आपके पास होने
होना चाहिए, ठीक है। इसके अलावा ये दोनों इसेंशियल क्वालिफिकेशन है, पीजी प्लस बीएड, ठीक है। अगर आपके पास एमएड है तो एमएड करने वालों के लिए अलग से उनको वरीयता दी जाएगी, यहाँ पर दे सकते हैं प्रेफरेंशियल क्वालिफिकेशन एमएड डिग्री। एमएड एमएड आपने किया है तो आपकी अच्छी बात है, एमएड में आपको वरीयता मिल जाएगी, लेकिन ये कंपलसरी नहीं है। बिना एमएड वाले भी अभ्यर्थी इसमें फॉर्म भर सकते हैं, ठीक है। इसी तरीके से जो अभ्यर्थी साइंस पद के लिए भरना चाहते हैं तो साइंस पद के लिए यहाँ पर देखिए पीजी में ये विषय होने चाहिए, इनमें से कोई एक विषय, मैथमेटिक्स से या बायोलॉजी से या केमिस्ट्री से या फिजिक्स से 55% से नंबर से किया है तो आप साइंस पद के लिए यहाँ पर फॉर्म भर सकते हैं। बीएड इसके पास इसमें भी लगता है आपका साइंस में भी। इसके अलावा सीरियल नंबर 8 पे यानी फिजिकल एजुकेशन की अगर आप टीचर बनना चाहते हैं, लेक्चरर बनना चाहते हैं, तो आपके पास एमपीएड या एमपीई की डिग्री होनी चाहिए 55% नंबर के साथ, ठीक है। आपको बता दें कि अगर फिजिकल एजुकेशन का टीचर बनना है तो फिर यहाँ पर बीएड की कोई भी रिक्वायरमेंट नहीं होती है, सिर्फ एमएड आपके पास है तो आप यहाँ पर फॉर्म भर सकते हैं, ठीक है। इसके अलावा कई और विषय भी होते हैं, उनके लिए यहाँ पर डिटेल से बताया गया, तो ये नोटिफिकेशन हमारे टेलीग्राम चैनल पर आप लोगों को मिल जाएगा, वहाँ से आप लोग इसको डिटेल से पढ़ सकते हैं, ठीक है। अब बात कर लेते हैं इसका परीक्षा पैटर्न और सिलेबस क्या होता है, कैसे इसमें एग्जाम होता है, तो चलिए देख लेते हैं वो भी। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपको याद दिलाना चाहेंगे दोस्तों कि अगर आप शिक्षक भर्ती की तैयारी कर रहे हैं, चाहे कोई भी शिक्षक भर्ती हो, तो हमारा प्रीमियम व्हाट्सएप सर्विस जरूर यूज करिएगा। बहुत सारे इसके बेनिफिट हैं, हर तरीके से आपको इसमें सपोर्ट दिया जाएगा, ठीक है। यहाँ पर सारी जानकारी दी गई, इसके अलावा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी सारी जानकारी दी गई है, वहाँ से भी पढ़ करके आप लोग हमारा प्रीमियम व्हाट्सएप सर्विस ज्वाइन कर सकते हैं। सारा जो जानकारी डिस्क्रिप्शन में आप लोग चेक करें। आपको बता दें पिछला जो एग्जाम हुआ था पिछली भर्ती का, वो 15 मार्च 2015 को हुआ था। इसमें 2 घंटे का एग्जाम होता है आपका, 9:30 बजे से 11:30 बजे के बीच हुआ था। 2 घंटे का एग्जाम होता है। इसमें देखा जाए तो दो पेपर होते हैं, एक होता है जनरल पेपर और एक होता है सब्जेक्ट पेपर, दो पेपर होते हैं। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट की। तो दोस्तों जो पहला पेपर होता है जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट का होता है, और यहाँ पर देख सकते हैं इसके बारे में लिखा है कि इसे आपका 50 नंबर का होगा, इसमें 50 प्रश्न होते ही हैं, ठीक है। अब इसमें आता क्या क्या है, तो पहला जो सेक्शन होता है पार्ट 1 के अंतर्गत वो होता है जनरल अवेयरनेस का, 15 क्वेश्चन होते हैं इसमें, 15 नंबर के होते हैं, एक क्वेश्चन 1 नंबर का होता है। इसके अलावा 15 क्वेश्चन जो होते हैं पार्ट 2 के अंदर ये रीजनिंग के होते हैं, 15 क्वेश्चन, ये भी एक क्वेश्चन 1 नंबर का होता है। इसके बाद लैंग्वेज होता है, लैंग्वेज हिंदी या इंग्लिश में आपके पास चॉइस होता है क्या आप करना चाहते हैं, तो इसमें 20 क्वेश्चन होते हैं। तो कुल मिलाकर के 15 जनरल अवेयरनेस के, 15 रीजनिंग की और 20 क्वेश्चन की, ये होता है आपका 50 क्वेश्चन। इस तरीके से ये पार्ट 1 आपका हो जाता है, पहला पेपर जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट एंड लैंग्वेज का, ठीक है। इसके बाद दूसरा जो पेपर होता है वो यहाँ पर होता है कंटेंट कम मेथडोलॉजी का, ये 100 नंबर का पेपर होता है। एक चीज़ आपको बता दें, जो डिफिकल्टी होता है क्वेश्चन पेपर का, हाई स्कूल लेवल का होता है पार्ट 1 के लिए, यानी रीजनिंग जो होगी, जो जनरल अवेयरनेस होगी, जो हिंदी इंग्लिश लैंग्वेज होगी, वो हाई स्कूल लेवल की होगी जो पहला पेपर का। और जो दूसरा पेपर होता है इसका जो लेवल होता है वो थोड़ा सा हाई होता है, ठीक है। तो यहाँ पर देख लीजिए आता क्या क्या है। तो दूसरे पार्ट के अंतर्गत भी 2 सेक्शन होते हैं, पहला जो सेक्शन होता है वो आपका सब्जेक्ट का होगा, जिस विषय के आप प्रवक्ता बनना चाहते हैं। देखा कंटेंट ऑल इंडिविजुअल सब्जेक्ट एज कंटेंट इन द एडवर्टाइजमेंट, यानी जिस विषय के लिए आपने फॉर्म भरा है उस विषय से संबंधित 70 क्वेश्चन होते हैं, एक क्वेश्चन 1 नंबर का होता है। इसके अलावा दोस्तों दूसरा जो पार्ट होता है इसके अंतर्गत ये होता है एजुकेशनल एंड मेथोडोलॉजी फॉर टीचिंग ऑफ सब्जेक्ट, यानी सब्जेक्ट को पढ़ाने के लिए आपके पास जो टीचिंग स्किल्स है उसके बारे में आपसे पूछा जाता है, और इसके 30 क्वेश्चन होते हैं, 30 नंबर के, एक क्वेश्चन 1 नंबर का होता है, ठीक है। और जिन्होंने बीएड नहीं किया हुआ, जैसे फिजिकल एजुकेशन के जो टीचर हैं जो बनना चाहते हैं लेक्चरर, उनके लिए बीएड कंपलसरी नहीं होता है, तो उनसे उनके लिए ये भी आता है। जैसे फिजिकल एजुकेशन के बारे में, फिजिकल एजुकेशन के बारे में पूछा जाएगा, एजुकेशन, आर्ट, सोशल वर्क, स्टैटिस्टिक्स, साइकोलॉजी, ठीक है, ये नॉन बीएड वाले अभ्यर्थियों के लिए पार्ट 2 में, ठीक है। और ये दोस्तों जो होता है एजुकेशनल एंड मेथोडोलॉजी, ये आपका बीएड के लेवल का होता है, ठीक है, इसका लेवल थोड़ा सा हाई होता है। तो ये हो गई कंप्लीट जानकारी डायरेक्ट प्रवक्ता के बारे में। आई होप आपको सारी चीजें समझ में आई होंगी।
बात कर लेते हैं, अगर इसका विज्ञापन कब तक आएगा दोस्तों, तो इसका विज्ञापन 2020 में आना है। संभावना ये है कि अक्टूबर या नवंबर तक इसका विज्ञापन आपका आ जाएगा, ठीक है। बहुत ज़्यादा लेट हुई तो दिसंबर तक भी आ सकता है। जैसे कुछ अगली अपडेट आएगी तो आपको आने वाले वीडियोस में हम पूरी जानकारी आपको प्रोवाइड करेंगे। उसके लिए आपको चैनल को सब्सक्राइब करना होगा, साथ में बेल आइकन को भी प्रेस करना होगा, तभी आपको हमारे वीडियो की अपडेट मिल पाएगी। तो वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। पूरा वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।